चल दिया, दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया। कुछ तो है तेरे मेरे दिल में आज अनकहा सा रह गया। मैं जो कभी कह ना सका आज कहता हूँ पहली दफा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही। हाय एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ ही दिनों में वैलेंटाइन वीक स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि 7 वीडियो वैलेंटाइन वीक पे आएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8 फैब यानी कि प्रपोज डे के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिससे कि आप किसी के भी पिक्चर से ऐसे वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूं। इसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पर क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आपको इस 1:1 वाली रेशियो को ले लेनी है। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग 11 पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे। ओके, इसके बाद इन सब में स्टार्ट पोजीशन एंड इन पोजीशन को ऐड करेंगे। तो आपको इस क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन को रख लेते हैं एंड यहाँ पे इन पोजीशन को। तो सारे में रख लेंगे स्टार्ट पोजीशन को एंड इन पोजीशन को। ओके, इसके बाद इन सब में हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो आपको क्लासिक ट्रांजिशन इफेक्ट में आ जानी है एंड इसमें क्रॉस फेड वाले इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। तो सारे में ऐड कर लेंगे। ओके, एंड इसके बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से 11 पिक्चर्स ऐड करके एक और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेनी है, जिसको कि आप लोग सेकेंड हैड में ऐड करना चाहते हो। एंड इसके बाद हम लोग 16:9 वाली रेशियो को ऐड कर लेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे जो आपको बैकग्राउंड पिक्चर को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पिक्चर को ऐड कर लेती हूँ। ओके, एंड इसमें भी पोजीशन को ऐड कर लेंगे एंड इसको इक्वल रख लेते हैं एंड इसकी साइज को 42 सेकंड्स तक रख लेंगे। ओके, एंड इसकी विग्नेट को ऑन कर लेते हैं एंड इसके बाद इसमें ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो आपको इफेक्ट्स में आ जानी है एंड यहाँ ब्लर वाले इफेक्ट को ले लेंगे एंड इसको भी फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड सेटिंग्स में आके इसको 4 रख लेंगे एंड इसको भी 8 तक रख लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके आपको बैकग्राउंड में आ जानी है एंड यहाँ पे एक वाइट कलर की बैकग्राउंड ले लेंगे एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसको सेंड टू बैक कर लेंगे एंड इसको ब्लेंड करेंगे। तो इसको ओवरले करना है एंड इसकी ओपेसिटी को कम कर लेते हैं एंड इसमें ओवरऑल एनिमेशन को ऐड करेंगे। तो इसको पल्स रखना है एंड इसको भी 8 तक रख लेते हैं।
ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर रही हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड इसको भी फुल स्क्रीन कर लेंगे। एंड इसके बाद क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आना है एंड इसको एनेबल कर लेंगे। एंड यहाँ ग्रीन कलर ऑलरेडी ऐड हो गया है तो इसको बस एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, एंड इसके बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद फिर से आपको बैक आ जानी है एंड फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से हम लोग वीडियो की रेशियो को ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को ले लेनी है एंड इसकी साइज़ को बढ़ा लेते हैं। तो इसको भी 42 सेकंड्स तक रख लेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके हमने जो वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एंड इसके बाद फिर से क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आना है एंड इसको एनेबल कर लेंगे। एंड यहाँ ब्लू कलर ऑलरेडी ऐड हो गया तो इसको बस एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके हमने जो वीडियो को पहले एक्सपोर्ट किया था उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे एंड इसको सेंड टू बैक कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे रख लेंगे। ओके, एंड इसके बाद हमने जो वीडियो को सेकंड एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग फिर से इसमें ऐड कर लेंगे एंड इस वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं एंड इसको क्रॉप कर लेंगे। तो इसको हार्ट वाली शेप में क्रॉप कर लेते हैं। ओके, एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर रही हूँ। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इसको भी फुल स्क्रीन कर लेंगे। एंड इसको ब्लेंड करना है तो इसको स्क्रीन कर लेते हैं, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने नेम की टेक्स्ट को ऐड किया था तो आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ नेम को लिख लेते हैं एंड इसकी कलर को वाइट रख लेंगे एंड इसमें फॉन्ट स्टाइल को रख लेते हैं एंड इसकी आउटलाइन को ऑन कर लेंगे एंड यहाँ पे इस कलर को ऐड कर लेते हैं एंड इसको भी यहाँ पे रख लेंगे। एंड इसको एंड तक रख लेते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है। और अगर आप लोग सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग टेम्पलेट वीडियो की साउंड को ऑफ कर सकते हो एंड इसके बाद ऑडियो में आके आप अपनी फाइल से कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं, और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स।